मेरे सम्मानित शिक्षक साथियों व प्यारे बच्चों, मैं पवन कुमार राजकीय प्राथमिक पाठशाला जल्लोपुर से आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी का गद्यांश जो हर प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। गद्यांश यानी कि पैराग्राफ में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं और उनके हम पूरे के पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं कुछ सावधानियों के साथ कि हमें क्या बातों का ध्यान रखना है ताकि इतने आसान टॉपिक में हमारा एक भी नंबर ना कटे। टॉपिक आसान है लेकिन हमें टाइम का मैनेजमेंट करना होता है कि किस प्रकार कम समय में हम अपना पेपर सोल्व कर लें। इसके लिए मैंने गद्यांश लिया है, इसको हम पढ़ेंगे समझेंगे कि किस प्रकार हम गद्यांश को पैराग्राफ को अपने दिमाग से चिपका के समझ वाक्यों से हम अपने उत्तर जल्दी और क्विक निकाल सकते हैं, समय की भी बचत करें और अपने नंबर भी पूरे के पूरे हासिल करें। जब हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो हमें ध्यान देना है। सावधानी से शरीर को संभालते हुए तेंजिंग और हिलेरी दोनों एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई कर रहे थे। तो इस पहले वाक्य में हमें दो नाम मिले हैं, तेंजिंग और हिलेरी, ठीक है, और वो चढ़ाई कर रहे थे कहां की, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई कर रहे थे। इस प्रकार पहले वाक्य में जो इंपॉर्टेंट जो मुख्य बातें हमारी थी उसको हमने अंडरलाइन कर लिया ताकि उसके बारे में हमें कोई पर्सन नीचे मिले तो उसको हम आसानी से समझ पाए, बार बार हमें पूरा पैरा ना पढ़ना पड़े। उसके बाद अगली लाइन को पढ़ते हुए उनका शरीर थक कर चूर चूर हो रहा था, तो इस वाक्य में ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया और समझ भी लिया कि चढ़ाई में उनका शरीर थक गया, चूर चूर हो गया, शरीर उनका बिल्कुल थक गया था, वो पूरी थकावट आ गई थी। कोई काम करते हुए हम जब थक जाते हैं तब हम परेशान हो जाते हैं ना, तो उसके बाद लेकिन उनके हौसले में कमी नहीं थी, तो थक के चूर हो गए थे लेकिन उनका जो हौसला था आगे बढ़ने का कुछ करने का उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं आई। किसी वाक्य को हम पढ़ते हुए इस तरीके से ध्यान देना है, ये एक आप उदाहरण के तौर पर है। जब आपको आपका पैराग्राफ मिलेगा पेपर में तो उसको भी पढ़ते हुए आप हर वाक्य में ये ढूंढने की कोशिश करोगे इस वाक्य में हमसे क्या पूछा जा सकता है, इसमें क्या महत्वपूर्ण है, उसको हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं और दिमाग से चिपका के भी रख सकते हैं ताकि हमें समय कम लगे और हम क्वेश्चनों के आंसर जल्दी दे सके। वे आगे बढ़ते जा रहे थे, चलते चलते सामने लगभग 12 मीटर ऊंची एक चट्टान दिखाई दी। किसी वाक्य में कोई संख्या दी हुई हो, कोई स्पेशल नाम दिया हुआ हो, उसको हम एक बार दिमाग में चिपका लेंगे और उसको अंडरलाइन भी कर लेंगे ताकि आगे प्रश्नों में वो हमें मदद कर सके, हमें उसको बार बार ना ढूंढना पड़े। एकदम सीधी, तेंजिंग ने पांव रखने के और हाथ गड़ाने के लिए बर्फ में गड्ढे बनाए थे। तो जैसे वो पहाड़ पे चढ़ रहा था तो उसको चढ़ने के लिए उस पे निशान बना रखे थे, गड्ढे बना रखे थे। तो ये वाक्य है, इस वाक्य को पढ़ते हुए हम इन चीजों पे ध्यान देंगे। आपको जो पैराग्राफ मिलेगा पेपर में आपको भी ऐसे ही ध्यान देना है, वाक्य को पढ़ते हुए उसमें से अलग ढूंढना है, स्पेशल ढूंढना है भी इस वाक्य में हमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है, क्या हमें समझाया जा रहा है। आप उस पर ध्यान दोगे तो फिर आपको कम समय में आपका आंसर आपको मिल जाएगा और वो समय आपको बाकी प्रश्न करने में मदद देगा। बड़ी कठिनाई और सावधानी से एक एक पांव गड्ढे में रखते हुए वे ऊपर चढ़े। आखिरी चट्टान की चढ़ाई का अंत आ ही गया, चट्टान की चौड़ाई दिखाई पड़ने लगी। अब क्या था, दोनों एवरेस्ट पर्वत के शिखर पर थे। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। देखो यहां ये इस वाक्य में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, तो इस बारे में भी क्वेश्चन कुछ वाक्य ऐसे होंगे बच्चों जिनको पढ़ने से हमें पता चल जाएगा इसके बारे में, क्वेश्चन तो पक्का मिले ही मिलेगा। तेंजिंग और हिलेरी ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में चमक थी, उनकी सारी थकावट दूर हो चुकी थी, उनका मन आनंद से भर गया। तो ये पैराग्राफ गद्यांश या पद्यांश जो आपको आपके एग्जाम में मिले उसको आप पढ़ेंगे और उसमें मुख्य बातें हर वाक्य में अंडरलाइन कर लेंगे, हर वाक्य को समझते हुए अपने दिमाग से चिपका लेंगे ताकि हम उसको जल्दी से उसके क्वेश्चन हल कर पाएं। हाँ, इतना आसान टॉपिक है, सभी बच्चे ध्यान से करेंगे, इसके नंबर फ्री के होते हैं। अगर आप थोड़ा सा अपना क्विक दिमाग से रिस्पॉन्स करोगे, अगर समझोगे तो कम समय में इसको हल किया जा सकता है और पूरे नंबर हासिल किए जा सकते हैं और समय की बचत की जा सकती है। इस प्रकार से आप अपने पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, तेंजिंग और हिलेरी एवरेस्ट पर क्यों चढ़ सके, क्यों चढ़ सके, चार उत्तर भी दिए हैं। वे बहुत आनंदित थे, वे बहुत हिम्मत वाले थे, स वे बहुत परेशान थे, द वे बहुत थके हुए थे। दिया हुआ था वो बहुत हिम्मत वाले थे, हौसले वाले थे, थक तो गए थे लेकिन उनमें हौसला बहुत था इसलिए उन्होंने चढ़ाई की। अगर थक जाते तो उनका काम वहीं पे खत्म हो जाता। जब हम थक जाते तो कई बार हम बैठ जाते हैं, हम कहते हैं अब बहुत और हमसे नहीं हो रहा, अब हम आगे नहीं करेंगे, लेकिन उन दोनों में हिम्मत थी। जब हम वाक्य पढ़ रहे थे तो इस बात को हमने अपने दिमाग से अटैच किया था, तो अब हमें क्विक दिमाग ने हमें रिस्पॉन्स किया कि हमने उस लाइन में ये बात को पढ़ा था, इसका ये उत्तर होगा। हाँ, कोई आंसर आपका गलत ना हो जाए इसके लिए उसको कन्फर्म जरूर कर लें, ऊपर वाक्य में जब आपने पढ़ाया तो उसको एक बार कंफर्म कर लें कि आपका प्रश्न इतना आसान है, गलत ना हो जाए। वे बहुत हिम्मत वाले थे, इसका बे आंसर होगा। आपको ओएमआर सीट पे बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल गोल गोल उसको भर देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, एवरेस्ट की सबसे खास बात क्या है, एवरेस्ट की सबसे खास बात पूछी। जब हम पैराग्राफ में पढ़ रहे थे तब हमने इस चीज पे बिल्कुल ध्यान दिया था, वाक्यों को समझा था, जरूरी शब्द थे उनको हमने अंडरलाइन भी किया था ताकि वो हमें समय पे काम आवे। अब उसी में से देखो, एवरेस्ट की सबसे खास बात है, यह एक खतरनाक पहाड़ है, यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, तेंजिंग और लेरी इसकी चोटी पर चढ़े थे, इस पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। देखो अब
इस प्रकार के पर्सन होंगे, उनमें आंसर दिए होंगे, उनमें भी आपको कंफ्यूजन करने की कोशिश करेंगे। अब देखो यह खतरनाक पहाड़ है, नहीं पढ़ा हमने, यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, पढ़ा है, हिलेरी और तेंजिंग इस चोटी पर चढ़ रहे थे, यह भी पढ़ा है, इस पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, इसमें नहीं दिया हुआ। लेकिन देखो अब दो आंसर है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, हमें साफ साफ दिया था कि एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये तो यह क्या होगा, यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, यह इसका आंसर होगा अगर हमने ध्यान से समझ से पढ़ा है तो। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, तेंजिंग और हिलेरी को चट्टान पर चढ़ने में कठिनाई क्यों हो रही थी। अब जो प्रश्न दिया होता है उसको हम एक दो बार पढ़ेंगे, अगर जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे, सही पढ़ेंगे वाक्य में क्या दिया है, प्रश्न में जो हमें दिया हुआ है, अगर वो हमने ध्यान से नहीं पढ़ा तो भी हमारा आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि जो आंसर होते हैं वो बिल्कुल पास पास में ही होते हैं, नजदीक नजदीक होते हैं, इसलिए क्वेश्चन को हमेशा प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। अब चट्टान बिल्कुल सीधी थी, चट्टान की बर्फ पिघल रही थी, चट्टान पर बहुत गड्ढे थे, चट्टान पर जंगली जानवर थे, तो जो चट्टान में चढ़ रहे थे उनको कठिनाई आ रही थी। ये आंसर हमें बिल्कुल तीसरी लाइन में ही जब हमने पढ़ा था ध्यान दिया था और मैंने उसको अंडरलाइन भी किया था ताकि वो मेरा समय पे काम आवे। तो अब देखो समय आ गया, प्रश्न पूछ लिया गया, तो अब मुझे उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैंने ध्यान से पढ़ा है तो मुझे ऊपर वो मिलेगा कि चट्टान बिल्कुल सीधी थी, यह एकदम सीधी थी, तो अब इसका हम ये आंसर बता सकते हैं कि चट्टान बिल्कुल सीधी थी। जल्दी हमें आंसर भी मिल गया, कंफर्म भी हो गया कि गलत नहीं है, सही है। उसके बाद अगला प्रश्न, तेंजिंग और हिलेरी उत्साहित क्यों हो गए। ए, दोनों ने पर्वत पर चढ़ाई कर ली थी, बे, दोनों ने बर्फ के गड्ढे कर लिए थे, से, दोनों अच्छे दोस्त थे, दे, उन्होंने सीधी चट्टान देखी। अब दोनों उत्साहित कब हुए थे, दोनों एवरेस्ट पर्वत के शिखर पर थे और दोनों की आंखें चमक रही थी, थकावट दूर हो चुकी थी, दोनों का मन आनंदित हो गया था, तो क्या हुआ था, दोनों ने चढ़ाई पूरी की थी तब हुआ था ना उनको वे उत्साहित, तो दोनों उत्साहित कब हुए थे, जब दोनों ने पर्वत पर चढ़ाई कर ली थी। अब अगला प्रश्न देखें, अनुच्छेद के अनुसार खाली स्थान भरिए, तेंजिंग और हिलेरी का मन भर गया था। देखो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ए, आनंद से, ब, दर्द से, स, थकान से, द, दुख से। अरे बिल्कुल लास्ट लाइन में हमें इसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि हमने जब पढ़ा था तब मैंने इसको अंडरलाइन भी कर लिया था, उस शब्द के नीचे मैंने लाइन भी लगा दी थी, मुझे पता था कि प्रश्न पूछ सकते हैं, तो आप भी अपने दिमाग को ऐसे क्विक रिस्पॉन्स के लिए तैयार रखें, जब भी आप पहरा पढ़ते हो, पैराग्राफ पढ़ते वक्त आप उसको ध्यान रखेंगे कि इस शब्द से जरूर प्रश्न पूछा जा सकता है, और ये आपको कब होगा, जब आपका अच्छा अभ्यास होगा, तो आप अधिक से अधिक अभ्यास करें। आखिरी लाइन में है, उनका मन आनंद से भर गया था, तो इसका आंसर है उनका मन आनंद से भर गया था। तो इस प्रकार हम पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक सावधानी से पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसान टॉपिक है, नंबर हमारे इसमें एक भी नहीं कटना चाहिए, समय की पूरी बचत होनी चाहिए। बच्चे पैराग्राफ को पढ़ते रहते हैं बार बार, क्वेश्चन के लिए बार बार पढ़ते हैं, उस समय क्या होता है कि हमारा समय बहुत ज्यादा लग जाता है, और जो हमारा जरूरी समय है बाकी क्वेश्चनों को करने का जो समय है वो हमारा उसमें निकल जाता है, तो हमें समय की मैनेजमेंट बहुत जरूर करनी है ताकि कि समय पे हम अपना आंसर दे सकें और हमारा पेपर पूरा हो जाए। तो इस प्रकार हम पैराग्राफ को पढ़ के ध्यानपूर्वक समझते हुए अपना पूरा पेपर कर सकते हैं। धन्यवाद।